एक्सप्रेस। आज हमारा मकसद आपके साथ लाइव लहरें का सिर्फ एक ही प्रयोजन था कि करनाल में एक बहुत बड़ा मुद्दा सक्रिय हो गया और वह मुद्दा है शहीद मदन लाल ढींगड़ा की प्रतिमा सेक्टर 12 पार्क से उतारे जाने का। आज हम इस पर एक बड़ी बहस करेंगे, बड़ी चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमने करनाल के नामी गिरामी लोगों को बुलाया है, जो शहीदों की संस्था है उनमें से भी एक अध्यक्ष हैं उनको भी बुलाया है, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया है। हम सवाल आपसे पूछेंगे, हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारा सबसे बड़ा सवाल सरकार और प्रशासन से सिर्फ यही है, जनता इस बारे में राय जरूर दे। अगर आप इसको लाइव देख रहे हैं तो आप इस पर अपना कमेंट्स यानी कि अपना विचार जरूर साझा कीजिए, आपके मन में इस प्रोग्राम को लेकर क्या विचार है और आप शहीदों के प्रति कितनी श्रद्धा रखते हैं और जो सवाल आपकी स्क्रीन पर इस समय ऊपर आ रहा है उस पर अपनी राय शुमारी जरूर दीजिए। हमारा सवाल सिर्फ यही है, सरकार से भी, प्रशासन से भी और आपसे भी, सवाल यही कि शहीद मदन लाल ढींगड़ा जी की प्रतिमा को हटाना कितना सही और कितना गलत है। आज चौथा पांचवा दिन हो गया है, ये मुद्दा लगातार तूल पकड़ गया है और आज शाम को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस पर एक पत्रकार वार्ता भी करेंगे और इस पर आने वाले समय में ये मुद्दा प्रदेश स्तर का भी हो सकता है, क्योंकि करनाल में जिस तरह से शहीद मदन लाल ढींगड़ा प्रतिमा को लेकर, उतारे जाने को लेकर एक स्मारक समिति के लोग पिछले दिनों डीसी को एक ज्ञापन पत्र देकर भी आए, कल उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी अपना ज्ञापन पत्र सौंपा था, हमने आज सुबह आपको वो विश्लेषण भी खास तौर पर सुबह 9:30 बजे आपके सामने शेयर किया था, वो सारी खबर आपके सामने दी। लेकिन हम इस पर बड़ी बहस चाहते थे, हमने आज विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आज आमंत्रित किया था, हमने इसमें भाजपा को भी आमंत्रित किया था, हमने भाजपा के दो दिग्गज नेताओं से प्रार्थना की थी कि वो इस बहस में शामिल हों। हम जनता की ओर से जो सवाल पूछना चाहते थे उनका जवाब भाजपा प्रतिनिधियों से मांगना चाहते थे, लेकिन भाजपा के प्रतिनिधि आज इस बहस में शामिल नहीं हो सके, यानी कि उनकी कोई मजबूरी लगा लीजिए, कोई लाचारी लगा लीजिए या कोई उनका राजनीतिक संकट लगा लीजिए कि करनाल का कोई भी भाजपा नेता इस बहस में शामिल होने को तैयार नहीं है। आज हमारी इस चर्चा और इस बहस में कौन कौन से राजनीतिक दल शामिल होंगे, मैं आपकी उनसे मुलाकात जरूर कराऊंगा। वैसे तो देखा जाए, आपने भी देखा होगा पिछले काफी समय से सरकारें चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे केंद्र में यूपी की रही, चाहे अब एनडीए की सरकार है या प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार है, हमेशा शहीदों के मान सम्मान की बात करते आए हैं, बड़ी बड़ी भाषणबाजी होती है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े बड़े दावे होते हैं शहीदों को समर्पण को लेकर, शहीदों के आश्रितों को सुविधाएं देने को लेकर। लेकिन करनाल में जो चमत्कारी घटना हुई वह एक बड़ी विचित्र घटना है, आज तक मैंने अपने पत्रकारिता के जीवन के अंदर इस तरह की घटना कभी नहीं देखी, कि मुझे भी आज 30 साल हो गए हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, कि एक शहीद की प्रतिमा को उतार कर कह लीजिए या उखाड़ कर कह लीजिए कि आप उसे एक बड़े संस्थान यानी कि करनाल के नए बस अड्डे पर आप उसे स्थापित करने जा रहे हैं, तो क्या आवश्यकता ऐसी आन पड़ी थी, क्या जरूरत आन पड़ी थी आपको कि करनाल के सेक्टर 12 के सामने जो शहीद मदनलाल ढींगड़ा के नाम से जो पार्क बनाया गया था उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे तत्कालीन, वो इसको मूर्ति को स्थापित करवाते हैं और उसका अनावरण भी खुद करते हैं और कई विधायक वहां मौजूद रहते हैं, शहर की जनता भी वहां मौजूद रहती है, और आज जब नामकरण एक बड़े संस्थान के नाम से हो गया करनाल बस अड्डे के, तो क्या सरकार के पास कोई फंड की कमी थी या कोई राजनीतिक और कारण था, सरकार को इस पर जरूर स्पष्ट करना चाहिए क्यों प्रतिमा आखिर उतारी गई। करनाल के अगर आपने अंबेडकर चौक को देखा होगा, जब करनाल आप एंटर करते हैं जहां कई थाने हैं, सदर थाना है, महिला थाना है, सीआई वन स्टाफ है वहां पे, वहां संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जी की एक बड़ी मूर्ति लगी हुई है, उसी के बगल में एक गांधी चौक कहा जाता है जहां हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई है, हालांकि यहां प्रतिमा बड़ी छोटी थी सेक्टर 12 में शहीद मदनलाल की। तो मेरा सवाल सिर्फ यही है कि कल को मान लीजिए सरकार शहीद जो बाबा भीमराव सिंह अंबेडकर थे, जो हमारे संविधान के निर्माता थे, या फिर राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी, उनके नाम पे अगर मान लो करनाल का कोई एक बड़ा संस्थान आ जाए, तो क्या सरकार वहां से प्रतिमा को हटाकर उस जगह पर ले जाएगी, सवाल सिर्फ यही है।
तो आज इस चर्चा के लिए, इस बड़ी बहस पर हमारे स्टूडियो के अंदर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव श्री वीरेंद्र राठौर जी, जो बिहार के प्रभारी भी हैं, हमारे मौजूद हैं, इस चर्चा में जारी रहेंगे। इसके अलावा जिला स्वतंत्रता उत्तराधिकारी संगठन के अध्यक्ष नरेंद्र सुखन जी आज हमारे बीच में हैं, उनसे भी आज चर्चा करेंगे। इसके अलावा इनेलो करनाल के जो प्रधान हैं श्री ओम प्रकाश सलूजा जी, वो भी आज हमारे स्टूडियो के अंदर मौजूद है। उनका, इन सब मेहमानों का मैं बड़ा तहे दिल से स्वागत करता हूं। इसके अलावा इन मेहमानों के साथ साथ हमारे शहीद मदनलाल ढींगड़ा स्मारक संघर्ष समिति के जो चेयरमैन है मेहताब सिंह, जो इस बात को लेकर उनकी संघर्ष, एक संघर्ष समिति बनाई हुई है, नाराज हैं, डीसी और अन्य पदाधिकारियों को ज्ञापन सौंपे हैं, वो भी आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है, उनसे भी चर्चा करें। तो सबसे पहले मेरा सवाल है जिला स्वतंत्रता उत्तराधिकारी संगठन नरेंद्र सुखन जी, जो कई शहीद परिवारों के साथ जुड़े हुए हैं। सुखन साहब, नरेंद्र जी, ये जो चमत्कारी घटना करनाल में हुई है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? देखो चावड़ा जी, जैसे आपने अभी कहा कि भी जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी का जब भी प्रोग्राम होता है जी, उसमें मंत्री आते हैं जी, झंडा फहराने के लिए लोगों को सम्मानित करने आते हैं जी, उस उनके भाषण का ना सबसे पहला सेंटेंस होता है, ये जो फ्रीडम फाइटर बैठे हैं, उनके परिवार बैठे हैं, इनकी वजह से हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं जी। उस सेंटेंस बोलने के बाद जी, उसके बाद कोई उनके परिवारों की सुध नहीं ली जाती, सुनवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं होती जी। ये सरकारी दावा तो बहुत करती है, वो तो बस उस भाषण में। तो मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तो शहीद की प्रतिमा मदनलाल ढींगड़ा जी की वहां से उखाड़ी गई, वो तो बहुत गलत है। हम तो जो स्वतंत्र सेनानी उत्तराधिकारी संगठन है उसकी तय दिल से निंदा करता है, और आगे भी जितना होगा हम उसके वहां प्रतिमा को स्थापित कराने के लिए हम उसके लिए लड़ेंगे। अब जैसे मैं बता रहा था कि भी जैसे स्मार्ट सिटी बन रहा है हमारा, तो अम्बेडकर चौक से एनडीआरआई तक सड़क चौड़ी करने का, तो उसमें महात्मा गांधी जहाँ प्रतिमा लगी हुई है जी, उसके प्लेटफार्म में से 2.5 फुट उनको जगह चाहिए थी सड़क सीधी करने के लिए जी। तो उस वक्त का जो तत्कालिक सरकारी अधिकारी थे, उन्होंने हमारे से आके पूछा, हमारी कंसेंट ली, मौके पर हमारे को बुलाया, हमने उनको कहा कि जी इसको प्रतिमा को नहीं होगा कुछ, मैनुअल आप थोड़ी मिट्टी ले लो जो इतने आपको चाहिए सड़क सीधी करने के लिए। इसी तरह चौधरी देवीलाल हमारे रहे हैं, हाँ, मेरे चौक पे उनकी बड़ी प्रतिमा लगी हुई है, देश के उप प्रधानमंत्री रहे, प्रतिमा लगी हुई है, वो सड़क के बीच में आ रही थी, तो उसको नहीं उठाया जब तक लोगों ने उसको कंसेंट नहीं दे दी, सड़क वो टेढ़ी मेढ़ी चलती रही। अब उसको जब कंसेंट आ गई तो उस प्रतिमा को थोड़ा पीछे कर दिया। तो इसी तरह से ये शहीद जो होते हैं ये किसी जात के नहीं होते, ये किसी वो नहीं होता, पूरे देश के होते हैं, और इनमें ये भी नहीं होता मैं अपनी जात के लिए लड़ूंगा, तो भाई देश के लिए लड़ते। जब भगत सिंह के थे, मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, जो भगत सिंह का जो ग्रुप था उसी ग्रुप में थे ये भी, वो लोग 20 और 25 साल की उम्र थी उनकी, तब तक तो आदमी की शादी भी नहीं होती जी। भगत सिंह की तो शादी अभी होने वाली थी, उसने मना कर दिया, तब लोगों में इतना जुनून था कि हमने लोगों के देश के लिए कुछ कर जाना है, मर जाना है, इसी के लिए वो अपना परिवार छोड़ के विदेश गए, वहां उन्होंने जनरल डायर को मारा। तो इसी तरह इस परिवार की, इस ढींगड़ा की जी की मूर्ति की इतनी बेइज्जती, ये तो करनाल शहर की, पूरे देश की बेइज्जती है। सुखन जी, जब देवीलाल जी की मूर्ति थोड़ी हटानी थी या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा वहां से हटानी थी, आपने कहा अभी कि प्रशासन ने, सरकार ने हमसे पूछा, हमारे से राय सुमारी ली। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि शहीद मदनलाल ढींगड़ा जी की जो रातों रात प्रतिमा उठी है, क्या आपसे पूछा गया था? ये तो किसी से भी नहीं पूछा, किसी के नॉलेज में ही नहीं है ये, तो क्योंकि काम आधी रात को हुआ, उनको पता नहीं इनको क्या था, ये रात को चोरी सीधे काम करने की जरूरत क्या थी इसको, ये तो सरकार बताएगी उन्होंने रात को क्यों किया ये काम, लेकिन नहीं तो दिन में भी नहीं होना चाहिए था काम, रात को तो हो गया, दिन में भी नहीं होना चाहिए था। अगर इनको बस अड्डे के वहां बस अड्डा इन्होंने बना दिया ढींगड़ा के नाम से, तो उसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं, मूर्ति भी कह रहे हैं वहां बस अड्डे पे लगाएंगे उसका भी हम स्वागत करते हैं, लेकिन जो ये मूर्ति उखाड़ी गई है ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती है एक सम्मान देश की, शहीद की, शहीद की जी, ये तो दोबारा वहां पर लगनी चाहिए। ठीक है सुखन जी, बाद में आऊंगा आपके पास, दोबारा सवाल पूछूंगा। आप, मैं चलता हूँ वीरेंद्र राठौर जी के पास, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं, बिहार के प्रभारी हैं, चुनाव लड़ चुके हैं विधानसभा के, और आपको लंबा एक्सपीरियंस है राजनीति के अंदर, आप बड़े जिम्मेवार नेताओं के साथ रहे हैं, क्या आपने भी, वीरेंद्र जी, आपने अपने जीवन काल में इस तरह से शहीदों की मूर्तियां उखड़ते हुए कहीं देखा है? देखिए, मुझे लगता है कि देश के अंदर ये पहली बार ऐसी घटना घटी है जहां एक देश के महान फ्रीडम फाइटर को
अपमानित मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और करनाल के प्रशासन द्वारा किया गया। बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर थोड़ी सी भी कॉमन सेंस हो वो इस बात को अच्छी तरीके से समझता है कि एक बस स्टैंड सरकार ने बनाया, 85 करोड़ रुपए की लागत से वो बस स्टैंड बन रहा है जी। हम धन्यवादी हैं कि शहीद मदन लाल ढींगरा जी के नाम से उस बस स्टैंड को रखा गया। अब वहां एक प्रतिमा लगनी है जी। तो क्या मुख्यमंत्री हरियाणा जो करनाल से विधायक हैं जी, उनकी ये जिम्मेवारी नहीं है कि अगर वहां प्रतिमा लगनी है तो वहां एक भव्य प्रतिमा स्थापित हो, नई प्रतिमा स्थापित हो? कोई पुराना बस स्टैंड तो है नहीं, एक नया बस स्टैंड बन रहा है, एक नया प्लेटफॉर्म वहां बनाया जा रहा है। और हैरानी की बात है, मैं कल स्वयं गया, मैंने बस स्टैंड पर जाकर मुआयना किया। मुझे लगता है कि आसपास इनॉग्रेशन की तैयारी पे ज्यादा खर्चा किया जा रहा है, इतने में तो नई मूर्ति भी लगाई जा सकती थी। हो सकता है कोरोना काल में सरकार का खर्चा ज्यादा हो गया हो और फंड की कमी पड़ गई। मैं समझता हूँ कि कोई कारण नहीं समझ में आ रहा। इससे तो सिर्फ एक ही चीज निकल करके आ रही है कि करनाल के विधायक में, आई एम सॉरी टू से चावला जी, आई विल बी यूजिंग अ वेरी हार्ड वर्ड, क्योंकि मेरे अपने परिवार में भी शहीद रहे हैं लोग, इसलिए शहीदों का क्या सम्मान होना चाहिए उसको देखते हुए मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूं कि या तो मुख्यमंत्री की नॉलेज में नहीं था, अगर मुख्यमंत्री की नॉलेज में नहीं था तो प्रशासन ने ये काम उनकी नॉलेज के बगैर किया है, तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस करनाल शहर का है कि यहाँ के लोकल विधायक को ये जानकारी नहीं रहती कि उसकी नाक के नीचे नेशनल इंसल्ट हो रही हो और विधायक की जानकारी में ना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी इस प्रतिमा का पहले दौरा कर चुके हैं, देखा है उन्होंने जी जी, जी। और दूसरी बात, अगर मुख्यमंत्री की जानकारी में ये है जैसा कि सूत्रों से पता लग रहा है कि करनाल के कुछ सो कॉल्ड संगठन जो अपने आप को एक कम्युनिटी का संगठन क्लेम करते हैं वो मुख्यमंत्री से मिले थे, अगर मुख्यमंत्री की नॉलेज में ये है तो ये कॉमन सेंस की बहुत बड़ी कमी मुख्यमंत्री के पार्ट पे है। अब मेरी इसके अंदर दो डिमांड है जी। एज अ फैमिली मेंबर ऑफ अ फ्रीडम फाइटर फैमिली जी, नॉट एज अ कांग्रेस लीडर जी, लेट मी मेक थिंग वेरी क्लियर जी। वैसे तो भाजपा के लोग आ जाते तो इसको क्लियर कि उनसे बुलाया था वो तो आज पब्लिक का सामना करने के लायक नहीं है। पर मेरी दो डिमांड है, एक करनाल का विधायक होने के नाते पब्लिक अपॉलॉजी मुख्यमंत्री को निश्चित रूप से मांगनी चाहिए, इस देश की जनता से मांगनी चाहिए, इट इज अ नेशनल इंसल्ट जी। टू, इस नेशनल इंसल्ट को रेक्टिफाई आप जब भी कर सकते हैं कि आप, हालांकि ये माफी करने लायक घटना तो नहीं है परंतु फिर भी जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई यही है कि अब एक मूर्ति की स्थापना वहां की जाए, दोबारा भव्य मूर्ति की स्थापना पार्क में की जाए और तब जाकर के इसकी कमी पूरी की जा सकती है। राठौर जी तो तय है, जो मूर्ति वहां से उखाड़ी गई है उतारी गई है लगनी तो वही है बस अड्डे करनाल में। हाँ, बस अड्डे करनाल में। यहाँ तो स्मारक बनाने की बात कर रहे हैं पता चला है। देखिए ये जो स्मारक की बात चल रही है चर्चा, ये अब क्योंकि मुख्यमंत्री जी को पता लग चुका है कि ये गलती हो गई, अब उसको कवर अप करना है। कैसे कवर अप किया जाए क्योंकि जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि हमारे शहर के अंदर अंबेडकर जी की मूर्ति है, आज अगर कोई संस्थान अंबेडकर जी के नाम से रखा जाए, क्या मुख्यमंत्री में यह हिम्मत है कि अंबेडकर चौक में से अंबेडकर की मूर्ति को इतना 1 इंच भी हिला करके दिखाए? गांधी जी की मूर्ति है, क्या मुख्यमंत्री में इतनी हिम्मत है कि 1 इंच भी गांधी जी की मूर्ति को हिला करके दिखाए? महाराणा प्रताप चौक है, 1 इंच भी महाराणा प्रताप की मूर्ति को हिला करके दिखाए, मुख्यमंत्री को हिला करके रख देंगे? मदन लाल ढींगरा जी की मूर्ति को रातों रात उठा करके मुख्यमंत्री उखाड़ करके ले जाए और ये शहर चुप रहे? मैं ये कहना चाहता हूं, आज मैं गुस्से में और हार्ड वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं चावला जी, कि जो लोग राजनीतिकरण करना चाहते हैं, नहीं इसमें राजनीति नजर आ रही है आपको राठौर साहब? राजनीति नहीं है, क्यों भाजपा के लोग भाग रहे हैं, क्यों भाजपा के लोग सामने नहीं आ रहे? क्या मदन लाल ढींगरा जी कांग्रेस के थे, इनेलो के थे, बीजेपी के थे? वो तो देश के थे, सारे समाज के थे। आज हम
कांग्रेस कोई पॉलिटिकल पार्टी के रूप में नहीं इस डिबेट के अंदर बैठे हैं, वो मौजूदा सरकार का हिस्सा है, उनको उनको जवाब देना पड़ेगा। अब अगर किसी प्रशासनिक अधिकारी ने ये काम किया है तो उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए, तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाना चाहिए। और क्योंकि करनाल से विधायक मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और अगर ऐसी गलती अगर कर दी सरकार ने कि यहाँ पे कुछ और स्मारक बनाने का प्रयास किया तो मुझे लगता है कि बहुत खतरनाक परिस्थिति का सामना मुख्यमंत्री जी को करना पड़ेगा। राठौर साहब, आप ये कह रहे हैं कि मूर्ति दोबारा से स्थापित होनी चाहिए, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने पहले मूर्ति उखाड़ ली फिर आप उसको स्थापित करो, क्या ये अपमान में शब्द में शामिल नहीं आएगा? तो जब आपने गलत काम किया है तो उसकी माफी आपको देश के सामने मांगनी पड़ेगी, हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ेगी। वीरेंद्र राठौर जी बड़े उग्र हैं सीएम पर भी और प्रशासन पर भी, खासतौर पर हरियाणा सरकार से, सीएम साहब को माफी मांगनी चाहिए। और जिस गलती जो जिस अधिकारी ने गलती की जो मूर्ति हटाई उसे सस्पेंड करना चाहिए। मैं ओम प्रकाश सुलेरी जी आपके पास आऊंगा, आपने भी बड़ा राजनीतिक लंबा जीवन झेला और आप उस पार्टी से जुड़े हैं जिसमें जननायक एक शब्द आता है, और एक जो देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे देवीलाल जी, उन्हें ताऊ के नाम की संज्ञा दी जाती है, क्या लगता है इसमें क्या उचित हुआ है और क्या अनुचित हुआ है? चावला जी, सबसे पहले तो मैं समाचार एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को इस पावन दिन कृष्ण जी के जन्म जन्माष्टमी की बधाई देता हूं जी, और आपको एक और बधाई देता हूं, आपने इस पावन दिवस पर जी एक बहुत ही पावन विषय उठाया जी। ये जो प्रतिमा वहां से उखाड़ी गई है जी, ये बहुत ही, मैं इसके व्यक्तिगत तौर पे अपने निजी तौर पे भर्त्सना करता हूँ, और मैं अपनी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से भी इसकी भर्त्सना करता हूँ, क्योंकि हमारी पार्टी ने और मैंने निजी तौर पे हमेशा शहीदों का सम्मान किया है। भारतीय जनता पार्टी शासित इस समय प्रदेश है जी, ये हर समय राष्ट्रवाद की बात करती है जी, तो ऐसी क्या करनाल में एक समस्या आ गई कि एक छोटी सी जगह सिर्फ 300 या 400 गज का पार्क है, वहां शहीद मदन लाल ढींगड़ा जी जिसने हमारे देश को आजादी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, 25 साल की उम्र में शहीद हुए। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ सरकार को तो ये करना चाहिए था जो उनकी जीवनी है उसका एक पाठ्यक्रम बना के, एक विषय बना के पुस्तकों में विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता, वो तो करने की बजाय ये वहां लगी शहीद की प्रतिमा को वहां से उखाड़ने, ये बहुत ही निंदगी करनी है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। मैं इससे आगे बढ़कर एक और बात कहना चाहूंगा जी, जी। जो भी शहीद होता है वो पूरे समाज का होता है, वो पूरे समाज की धरोहर है जी। लेकिन मैं इससे थोड़ा सा अलग निकलना चाहता हूँ, मेरे को फख्र है मैं शहीद मदन लाल ढींगड़ा जी की, जहां वो जिस बरादरी में पैदा हुए मैं उस बरादरी में पैदा हुआ, मेरे को उस बात का अभिमान है, और जो हम यहाँ के विधायक हैं वो भी इसी बरादरी में पैदा हुए हैं। ऐसा होता है हमारे पंजाबियों के बारे में एक बात कही जाती है कि वो पड़ोसी का बच्चा भी पाल देते हैं, तो ये मेरे को नहीं लगता इतना घिनौना काम, इतना गिरा हुआ काम हमारी बिरादरी के नेतृत्व में इस समय हुआ है। इसकी जितनी भी निंदा करूं, जितने भी शब्दों में करूं, और मैं तो समाज के सभी जो हमारी बिरादरी के लोग हैं, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो राजनीति में है, चाहे वो रेडी या फड़ी चलाते हैं, उनको सबको आगे आकर मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए, और मैं भी निवेदन करता हूं कि अपनी इसकी हुई गलती की पब्लिकली क्षमा याचना करें और उस मूर्ति को वहीं स्थापित करें। जो ये बात आप कह रहे थे अभी, राठौर जी से आप पूछ रहे थे कि मूर्ति वहां लगेगी, ऐसा क्या है, कितने की मूर्ति आती है, एक संस्थान से उठाकर वहां लगाना औचित्य नहीं, और भी महापुरुषों की दो दो मूर्ति करनाल में लगी जानी बहुत अच्छी बात है, मैं कहता हूँ 10-10 लगे। नहीं, वैसे मांग उठ रही है कि हर विधानसभा क्षेत्र में मूर्ति करनाल के, हम भी करनाल में जाते हैं, मैं विशेषकर अपनी बरादरी की बात करूंगा, मैं जाता हूँ बहुत, उसमें जो छोटे दुकानदार है, रेड़ी वाले हैं, फड़ी वाले हैं, या छोटा काम करने वाले हैं, उनके मन में पीड़ा है। मैं एक और बात कहना चाहूंगा, थोड़ी राजनीतिक है, इससे पहले दो प्लान में यहाँ विधायक रहे कांग्रेस के, राठौर साहब महसूस मत करिएगा, उनको बहुल पंजाबी मतदाताओं ने मत डाला, उनको विधायक बनाया, उन्होंने लगातार 10 साल पंजाबियों को प्रताड़ित करने का काम किया, आर्थिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी, और यही काम भारतीय जनता पार्टी की शासित सरकार अब इमोशनल रूप से, भावनात्मक रूप से उनको मारने का काम कर रही है। कृपया मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है यहाँ के विधायक से और मुख्यमंत्री जी से और प्रशासन से, अपनी इस गलती को सुधारें, पब्लिक से माफी मांगे
और उस मूर्ति की दोबारा स्थापना करें। दो दिन पहले ही शहीद मदन लाल ढींगड़ा जी संघर्ष समिति के कुछ साथी मुझे मिलने आए थे, उनके प्रधान मेहताब जी हैं, उन्होंने एक ज्ञापन दिया था माननीय अभय सिंह चौटाला जी के नाम, वो मैंने ऊपर अपनी पार्टी को भेज दिया है। मैं इनको भी इस मंच के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं, जो भी आपने मांग प्रशासन को रखी है अगर आपकी वो मांग पूरी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करेंगे सरकार का भी, इसमें कोई वो बात राजनीति वाली बात नहीं है, यहां व्यक्ति हम निजी तौर पे हमारे शहर की बात है, हमारे शहीद हैं, हम शहीदों का सम्मान करते हैं चाहे वो किसी भी बिरादरी में पैदा हुआ, अब पैदा तो किसी ना किसी इंसान किसी ना किसी बिरादरी में होगा ही, हम सबका सम्मान करते हैं, इनकी बात मांगने और अपनी भूल सुधारे यही सत्ता और प्रशासन के लिए उचित होगा। और उनको ये याद रखना चाहिए इस शहर ने बड़े बड़ों की पीएचडी फेल की है, पीएचडी फेल होते ज्यादा समय नहीं लगता, लोगों के मन का रोष का ध्यान रखे, पिछले जो है यहां से विधायक थे वो कहते थे हमारे खिलाफ, आप मुख्यमंत्री को एक चेतावनी और संकेत भी दे रहे हैं, बिल्कुल चेतावनी प्रार्थना भी कह रहा हूं, प्रार्थना भी है और चेतावनी भी है, प्रार्थना के साथ साथ चेतावनी भी, ठीक, पहले भी जो विधायक थे वो कह रहे थे हमारे सामने लड़ने वाला कोई नहीं, आपका इशारा भजनलाल की तरफ है, मैं जो बात कर रहा हूँ पिछले विधायक भी कहते थे हमारे सामने लड़ने वाला कोई नहीं, खुद ये हल्का छोड़ के भागे हैं, तो परमात्मा ना करे मैं आपके साथ भी कोई ऐसी स्थिति आए, मौका रहते चेत जाए और अपनी गलती सुधारे। सुनीता जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले आपने 10 साल कहा कि कांग्रेस के विधायक, आप किस चीज की प्रताड़ना का रूप लगाते कांग्रेस पे, कोई शहीद शहीदों को लेकर, मैं करो बिरादरी के ऊपर मैंने वो बात कही है, ये पंजाबी बिरादरी से तो बिलोंग करते नहीं ना जी, मैंने कहा मैं इस विषय से थोड़ा आगे निकल के बता, आगे निकल के, अच्छा आपने बात की, सुखन साहब अभी थोड़ी देर पहले आपने मेरे को बात बताई थी कि सरकार दावे बड़ी करती है सुख सुविधा देने की, स्वतंत्रता सेनानियों की, आपके संगठन में कितने शहीद के परिवार जुड़े हुए? मेरे तो 150 के आसपास हैं जिले में, 150 के आसपास हैं, तो क्या क्या सुविधाएं जो आपको मिलनी चाहिए थी वो मिल नहीं रही हैं? देखो सुविधाएं तो कुछ नहीं चाहिए, तकरीबन जो फ्रीडम फाइटर के बच्चे हैं ऑलमोस्ट सेटल हैं, अब उन सबको ना सम्मान चाहिए, सम्मान सम्मान चाहिए, तो सम्मान में क्या कमी है? सम्मान में मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे उत्तराखंड सरकार है जो कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम रावत थे मुख्यमंत्री, अब बीजेपी के रावत हैं, वो भी रावत थे जी, तो उनके टाइम क्या था कि जैसे फ्रीडम फाइटर को पेंशन मिल रही है जी, वो गुजर गया जी, उसके बाद उसकी विडो को एज इट इज पेंशन मिलती है और उसकी पेंशन के बाद वो डेथ के बाद वो पेंशन बंद हो जाती है। हमारी सरकार से ये मांग है, हरियाणा सरकार से भी, सेंटर से भी, कि भाई वो जो उत्तराखंड सरकार ने किया हुआ सम्मान परिवार सम्मान पेंशन है उसका नाम, कि एक परिवार को वो 4,000 रुपए दे रहे हैं, तो हमने मुख्यमंत्री से मिले कई बार मिले, ये मांग पत्र भी दिया, तो ये हमारे को डायरेक्ट नहीं बात हुई हमारी सीएम की, लेकिन ये सुनने में आया कि सीएम साहब कह रहे हैं कि इस जो सम्मान पेंशन दे देंगे 4-5 हज़ार रुपए महीने की एक परिवार को, उससे आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा। अब हमारी मुख्यमंत्री से सरकार से निवेदन है कि एक जो फ्रीडम फाइटर है उसको 45-50 हज़ार रुपए पेंशन दे रही है, कुछ सेंटर और स्टेट के मिला के, वो शहर की सारी शिफ्ट हो जाती है विडो को, विडो के बाद वो सारे पैसे सरकार के बच गए 45-50 हज़ार, उसमें से अगर 5,000 एक परिवार को दे दें तो उस सरकार पर आर्थिक बोझ कहां पड़ गया, वो तो बच गया सरकार को। तो कितने, तो नरेंद्र जी कितने ऐसे परिवार हैं? परिवार तो प्रदेश प्रदेश की बात है, प्रदेश में होंगे 4-5 हज़ार परिवार, ज्यादा तो नहीं है। हाँ ज्यादा तो नहीं है। तो फिर आपने कोई मांग पत्र दिया था सीएम साहब को? कब दिया सुखन जी? वो तो मेरे को मैं लेके नहीं आया, नियर अबाउट बता दो कितने समय पहले? 7 महीने हो गए, 6-7 महीने। कोई आपके पास कोई पत्राचार के माध्यम से कोई जवाब आया हो? जो कुछ नहीं आया जी, पत्राचार तो इसके लिए ना, अब जब ये दुष्यंत जी मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री जी, इनको भी हमने एक पत्र लिखा रजिस्टर्ड कि भाई आप करनाल आते तो हमें नहीं मिलते, हम आपको चंडीगढ़ में मिलना चाहते हैं जी, उसका आज तक जवाब नहीं आया। 11 महीने में चिट्ठी लिखी है। आपकी आवाज उठाने के लिए विपक्ष बैठा ना, तो राठौर जी बताए कह रहे हैं 6-7 महीने हो गए सीएम साहब को, इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था, डिप्टी सीएम को भी दिया, सीएम साहब को भी दिया आपने कहा? सीएम को पहले दिया। देखिए सुखन जी ने जो बात करी है वो बात बिल्कुल जायज है, हालांकि कांग्रेस की सरकार के अंदर हमेशा स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन का जो जितना भी प्रावधान हो कांग्रेस पार्टी ने किया जी, पर भाजपा के अंदर प्रताड़ना क्यों हो रही है उसके पीछे कारण है जी, कारण ये है भी पहले तो भारतीय जनता पार्टी, इसमें मैं मुख्यमंत्री जी की भी कमी नहीं निकालूंगा जी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये दो ऐसे संगठन और राजनीतिक दल हैं जिनको स्वतंत्रता सेनानियों की और फ्रीडम फाइटर्स की और शहादत की डेफिनेशन का पता ही नहीं जी, उसका कारण क्या है जी, बड़ा रोग उसका कारण है जी, उसका कारण है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का कोई एक व्यक्ति मुझे ढूंढ करके दिखाएं देश में जो स्वतंत्रता संग्राम की पेंशन लेता हो,
कोई फ्रीडम फाइटर हो, ये आरएसएस की बात कर रहे हैं, आरएसएस कोई फ्रीडम फाइटर हो बीजेपी के अंदर, अच्छा कोई कोई आरएसएस हो, आरएसएस का फ्रीडम फाइटर, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं जी, क्योंकि इन लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई के अंदर भारत माता के नारे तो मैं उस बात पे जी। जब हमारे और हिस्ट्री देश के नौजवानों को जाननी भी चाहिए, जिस समय फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, आजादी की लड़ाई चल रही थी, तो जनसंघ के लोग कभी भी कांग्रेस पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आजादी की लड़ाई में नहीं उतरे, ये हमेशा अंग्रेजों के साथ हाथ मिलाए रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो इनके संस्थापक है भारतीय जनता पार्टी के, ही वॉज कैबिनेट मिनिस्टर इन बंगाल गवर्नमेंट, लिख लीजिए इस बात को जी। और ये ऑन रिकॉर्ड है कि क्विट इंडिया मूवमेंट को, भारत छोड़ो आंदोलन को रोकने का प्रयास श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा किया गया था जी। भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिस पार्टी के लोग, मेरी बात को सुनिए, जिस पार्टी के लोग देश के गद्दारों की मूर्तियों के ऊपर मल्यार्पण करके अपने दिन की शुरुआत करते हो, वो क्या इस हिंदुस्तान के शहीदों की को सम्मान देने का काम कर सकते हैं? आप पे रोक लगाती है कि आप चीन से हाथ मिला रखे हैं कांग्रेस ने। भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके पास देश की राजनीति में कोई मुद्दा नहीं, क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर ये गद्दारों के साथ मिले हुए लोग थे, इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में कोई योगदान नहीं दिया। जिस समय भारत माता बेड़ियों में जकड़ी हुई थी और जिस समय भारत माता को सबसे ज्यादा जरूरत सपूतों की थी, उस समय ये कहां थे? उस समय अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। आज ये भारत माता की जय करते हैं, ये आज जो भारत माता की जय करते हैं, ये अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए हर रोज दिन रात ये बोलने का काम करते हैं। भारत माता सबके दिल में है, हमारे दिल में है, पर सुबह शाम बोलने से जय नहीं होगी। ये जो सुबह शाम अपने भाषणों की शुरुआत भी जैसे करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि इनको अपने पापों का प्रायश्चित अब करना होगा इस जन्म के अंदर, पापों का प्रायश्चित करने के लिए करते हैं। तो ये छद्म राष्ट्रवाद लोग हैं जी। इनका क्योंकि अगर स्वतंत्रता संग्राम के अंदर हिस्सा लिया होता तो आज मदनलाल ढींगरा जी के कॉन्ट्रीब्यूशन को ये व्यर्थ ना जाने देते जी। अगर स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई देखी होती तो शहीदों का सम्मान आज करते, क्योंकि लड़ाई देखी नहीं, शहीदों की इंपॉर्टेंस नहीं पता, तो इन्होंने तो एक छोटी सी मूर्ति समझ ली, इन्होंने इसको मूर्ति समझ लिया कि जैसे पानी का गिलास है, यहां से उठा करके यहां रख दो और यहां से उठा करके यहां रख दो जी। तो ये इसलिए हो रही चीजें क्योंकि फ्रीडम मूवमेंट और देशभक्ति की भावना खून के अंदर नहीं है। सुमेधा जी, बहुत बड़ा आरोप लगा दिया इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र राठौड़ जी ने, भारत के बीजेपी के भारत माता की जय के नारे के साथ अगर शहीद मदनलाल ढींगड़ा इस मूर्ति प्रकरण के साथ जोड़ दिया तो क्या जवाब होगा? सर, मैं आज के विषय से भटकना नहीं चाहता जी, तो मैं विषय उसी पे रहना, मैं उसी विषय को साथ जोड़ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ बात ठीक है, इनका विचार है और कुछ उचित भी लगता है ये, भाई जिसके मन में भावना और राष्ट्र के प्रति, वो ऐसी छोटी हरकत नहीं करता। अरे ये तो समाज की धरोहर है, देश की धरोहर है, हमारे खाली शहर की धरोहर नहीं, एक मूर्ति नहीं है, ये धरोहर है। धरोहर को किसी भी रूप से छेड़छाड़ करना मेरे निजी विचार से और मेरी पार्टी के विचार से उचित नहीं है, स्वार्थक गलत है। ये शासन और प्रशासन को वक्त रहते चेतना चाहिए, इस बात को छोटा ना समझे, बहुत बड़ी बात है। मूवमेंट धीरे धीरे बढ़ती है, इस बात का ध्यान रखें। और मैंने आपको पहले भी कहा, इस शहर ने बहुतों की पीएचडी फेल की है, गुमान में मत रहें जी। मुख्यमंत्री ने मेयर के चुनाव में जाति के आधार पर वोट मांगा है, मैं अगर उस आधार पर भी आऊं तो इनको कार्य शर्मनाक कार्य मैं तो कहूं जो इन्होंने किया है। नरेंद्र शुक्ल जी, आपके पास आऊंगा। आपके जिला स्वतंत्रता उत्तराधिकारी संगठन में 150 शहीद परिवार जुड़े हुए हैं, मेरा थोड़ा सा सवाल आपसे थोड़ा तलक रहेगा। ये जब आपको बात पता चली तो आपको थोड़ा विरोध तलक तेवर में करना चाहिए था। तलक तेवर में तो कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं आपके माध्यम से जी। तो आपके आपके आपने सड़कों पर उतर के कहा कि जनता को जागरूक करना चाहिए था, अगर इतनी थी। कई बार पता क्या होता, मैं आपको बताऊं, कई बार पता नहीं लगता, उधर से गुजरे नहीं है तो तब वो नहीं होता। लेकिन अब हम इनके साथ हैं,
किन के साथ? ये जो समिति बनी है, समिति के साथ है। ठीक है, मैं यहां लूंगा एक छोटा सा ब्रेक और फिर जाऊंगा समिति के अध्यक्ष मेहताब सिंह के पास और पूछूंगा कि उनका अगला कदम क्या रहेगा। हालांकि उन्होंने डीसी को ज्ञापन भी सौंप दिया है और इसके अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। दिन थोड़े रह गए, 17 अगस्त को शायद अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जल्दी ही प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल बस अड्डे पर शहीद की प्रतिमा की मूर्ति का अनावरण फिर से कर सकते हैं और शायद जो बवाल मचा हुआ उसको ठंडा करने के लिए इस पार्क में भी कोई स्मारक बनाने की घोषणा की जा सकती है। आप जाइएगा कहीं नहीं, इस बड़ी बहस अभी जारी है और आपके कमेंट्स हमारे साथ जरूर आने चाहिए, यानी कि अगर आप सवाल नहीं करोगे तो सरकार जवाब क्या देगी, इसलिए आप अपने सवाल जरूर करते लिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Wedding, launching and parties, Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. JBD Banquets lie hai incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties, Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace समाचार एक्सपर्ट्स के इस बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आज इस बहस में जिला सतर्कता सेनानी उत्तराखंड संगठन के जिला अध्यक्ष नरेंद्र सुखन जी हमारे बीच में हैं, नीलों के प्रधान श्री ओम प्रकाश सुलोजन जी आज हमारी बहस में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और बिहार के प्रभारी श्री वीरेंद्र राठौर जी इस बहस में, आज उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया आरएसएस के ऊपर कि आरएसएस की कोई भी परिवार का आदमी फ्रीडम फाइटर ही नहीं रहा, और इन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए। आपने उन्हें ध्यान से सुना होगा, हम इनके आरोपों को लेकर एक बार फिर से चर्चा में बात करेंगे। लेकिन हमारे इस चर्चा के अंदर मौजूद है मेहताब सिंह जी जो शहीद मदनलाल डिंगड़ा स्मारक संघर्ष समिति से जुड़े हैं। मेहताब जी, आपने डीसी साहब को ज्ञापन पत्र दे दिया, आपने इनेलो जजपा को ज्ञापन पत्र दे दिया, अब मेरा सवाल आपसे है कि आपने भाजपा के नेताओं को ज्ञापन पत्र क्यों नहीं दिया? सर, उनको दिया गया ज्ञापन पत्र, सेक्टर 13 से वीर विक्रम जी हैं पार्षद, उनको दिया गया पार्षद, उनको दिया गया। बड़े जो पदाधिकारी, मैं बड़े पदाधिकारियों के निवास पर गया था जी, मेयर साहब रेणु बाला जी के गए थे हम वहां पे जी, तो वो हमें मिले नहीं, आउट ऑफ सिटी थे जी, और जगमोहन जी से हमने बात करने की कोशिश करी तो उनसे हमारी बात हो नहीं पाई किसी कारण जी, तो बाकी हमने सबको ज्ञापन दिए, उनको भी देने की कोशिश करी और फिर जिनका वार्ड था वहां पे सेक्टर 13, हमने उन पार्षद को जाके वहां पे ज्ञापन पत्र सौंपा वहां पे। तो मेहताब जी, आपको जाने से पहले आप भाजपा नेताओं को फोन पे आप समय मांगते हैं आप? सर, मैंने समय मांगा था पर बिजी थे, उन्होंने समय मिला नहीं, हमें समय नहीं मिला, यानी कि समय नहीं मिला मेहताब सिंह को भाजपा नेताओं ने, यानी कि स्थानीय भाजपा नेताओं ने समय क्यों नहीं दिया, सवाल बड़ा उठ रहा है। और क्योंकि मेहताब सिंह जी जिस संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं या चेयरमैन है, आपने डीसी साहब को ये जो ज्ञापन पत्र था ये कितने दिन पहले सौंपा था मेहताब जी? सर, ये दो दिन पहले सौंपा था, यानी कि प्रशासन और भाजपा के नेताओं को पता लग गया था कि मेहताब सिंह संघर्ष समिति के जो अगला प्रोग्राम था कि विभिन्न राजनीतिक दलों के जिसमें भाजपा को भी शामिल किया जाना है, उन्हें भी अपनी मांगों का ज्ञापन पत्र। आपकी बड़ी मांग क्या थी मेहताब जी, दोबारा पूछूंगा। सर, बीते दिनों में पता चला कि एक हमारे जो फ्रीडम फाइटर है ढिंगरा जी जी, मदनलाल ढिंगरा जी जी, उनकी मूर्ति को वहां से उखाड़ा गया। जब उसका कारण पता करा तो हमें ये पता चला कि नया बस स्टैंड बनना है, वहां पे उनकी मूर्ति लगाई जानी है, उनके नाम से है वो। तो हमें ये बड़ा देखने में अजीब लगा कि वहां पे भव्य नई मूर्ति भी बनाई जा सकती थी, वो नया बस स्टैंड था। कल को अगर नया हवाई अड्डा बनता तो क्या ये वहां से मूर्ति ले जाके वहां लगाएंगे? वहां भी एक नई मूर्ति बनेगी। ठीक ठीक सवाल
तो हमारी सिर्फ यही मांग थी जब पार्क उनके नाम स्मारक बनाया गया है, पार्क बनाया गया उनके नाम से, उनकी याद में, तो वहां से मूर्ति ना उखाड़ी जाए, अगर उखाड़ी है तो वहां नहीं लगनी चाहिए, हमारी सिर्फ यही मांग है। अच्छा, आपकी मांग है। अब सवाल ये कि दिन थोड़े हैं, नए बस स्टैंड पे काम शुरू हो गया, आपने हमारा समाचार एक्सप्रेस की खबर हमने जो आज सुबह जो चलाई है उसमें दिखाया कि 3 दिन में मजदूरों और मिस्त्रियों को कहा गया कि तैयार करके देना चाहिए, यानी कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री का जल्दी आगमन हो और मूर्ति की स्थापना हो जाए। इससे पहले आपका बीच में क्या प्लान है अगर आपकी मांग मंजूर नहीं होती? सर, हम संघर्ष के लिए तैयार है, आपके साथ खड़ी है, इनेलो आपके साथ खड़ी है, जिला स्वतंत्रता सेनानी उत्तराखंड संगठन खुद कह रहा है कि वो आपके साथ है। सर, हम क्या कदम होगा, अलग कदम क्या होगा? हम संघर्ष के लिए तैयार हैं जी। किस तरह का संघर्ष करेंगे मेहताब जी? सर, हम सड़क पे उतरेंगे जी, हम वहां धरना देंगे सचिवालय के सामने जी, और सीएम साहब से मिलना चाहेंगे इसीलिए जी। राठौर साहब जी, कितना समर्थन देंगे? देखिए, इसमें तो कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात ही नहीं है जी, सामाजिक मुद्दा है जी, और पूरा समर्थन होगा। मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ जी, मेरी बात को आज नोट ही कर ले, सीएम साहब सुन रहे होंगे जी, प्रशासन की तरह जोर लगा दे जी, हम कुछ और चीज यहाँ लगने ही नहीं देंगे। ठीक, यहाँ लगेगी। बड़ा ऐलान किया कि बात आ रही थी कि प्रशासन मशाल लगा सकता है, मशाल नहीं लगने ये आज इस कार्यक्रम के अंदर, बड़ी बहस के अंदर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और बिहार के प्रभारी श्री वीरेंद्र ठोर जी ने साफ ऐलान कर दिया है इस समाचार एक्सप्रेस के माध्यम से कि सरकार जो मर्जी जोर लगा ले, यहाँ केवल मूर्ति स्थापित होगी और मूर्ति के अलावा कोई मशाल नहीं लगने दी। अगर सरकार आपको रोकने की कोशिश करेगी तो फिर इस बीच में क्या, किस तरह से आपका बचाव रहेगा? देखिए जी, सरकार इस मामले में कमजोर है जी, भाजपा के नेता गिदड़ों की तरह जो है वो व्यवहार कर रहे हैं जी, तो गिदड़ों से एक शेर के सम्मान की अपेक्षा कभी की भी नहीं जानी चाहिए जी। तो मैं तो आज यहाँ चैलेंज करूंगा इस मंच के जी, प्रशासन अपनी पूरी ताकत लगा ले जी, हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे जी, और यहाँ पर मदनलाल ढींगरा जी की मूर्ति को हम स्थापित करेंगे। ये मैं खुला चैलेंज आज पूरे शहर के सामने आपके बीच में बैठे कर रहा हूँ जी। आता हूँ राठौर जी आपके पास। नरेंद्र सुखन जी, आपने कहा कि आप समिति का साथ देंगे, अब कांग्रेस ने भी कहा कि हम मूर्ति नहीं लगा, इस मूर्ति के अलावा कुछ नहीं लगने देंगे, आपका क्या स्टैंड रहेगा नरेंद्र सुखन जी? हमारा तो यही है, अभी मूर्ति लगनी चाहिए वहां पर जी, दोबारा से जी, ताकि शहीदों को सम्मान मिले जी, ये तो बेइज्जती होगी ना शहीद की जी, एक फ्रीडम फाइटर की देश में जी, वो तो दोबारा से हमें लगनी चाहिए इस मामले में, हम उनके साथ जी। तो ये जो संघर्ष करेगी समिति आप इनके साथ ही रहेंगे, योगदान देंगे। ठीक है, तो मेहताब जी इस तरह का बात आई है तो आप किस तरह की युवा शक्ति इकट्ठा करोगे, या जन जागरण को अभियान चलाओगे, या कनाव की सड़कों पे कैसे जनता को जन चेतना लाओगे कि वो आपके साथ आए? सर, हम सड़कों पे भी उतरेंगे, प्रदर्शन भी किए जाएंगे जी, और युवाओं से मेरी अपील भी है कि वो हमारा इस कार्य में साथ दें जी, क्योंकि वो फ्रीडम फाइटर है, एक यूथ के रोल मॉडल है जी, उन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी है जी, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि अगर उनकी ऐसी कोई बेइज्जती हो रही है तो वहां इकट्ठे होकर खड़े हों और उनकी मूर्ति दोबारा वही लगनी चाहिए। अच्छा, मूर्ति दोबारा लगनी चाहिए, सिर्फ यही मांग है। आपने भी कल समाचार एक्सप्रेस को बताया था कि मूर्ति यहां से हटाना तो अपमान रहा, हटा के फिर वो इतने दिन खाली रहेगी जगह, फिर लगा दी जाएगी, वो भी एक तरह से का अपमान है, और आपकी डिमांड भी यही कि मूर्ति हम लगे, सिर्फ ये लगी कि मशाल लगने ही नहीं देंगे, यही है ना जी आपका? तो चाहे सरकार जितना मर्जी जोर लगा ले, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं मैं बार बार कि ये कहीं आपको किस तरह का कोई राजनीतिक षड्यंत्र नजर आ रहा, क्योंकि जब इस मूर्ति का स्थापना की गई थी उस समय आपके कांग्रेस संगठन के मुख्यमंत्री थे, वो इसका खुद स्थापित करके गए थे, उनके पत्थरों की क्या पोजीशन है वो आपको पता होगा? देखिए चावला जी, इसमें राजनीतिकरण ना तो होना चाहिए ना इसकी बात होनी चाहिए जी। कांग्रेस के सरकार के अंदर अगर ये पार्क की स्थापना हुई थी और मूर्ति की स्थापना हुई थी तो मैं समझता हूँ ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी थी टू ऑनर अवर फ्रीडम फाइटर्स, तो हमने कोई बड़ा कोई एहसान नहीं किसी के ऊपर किया, वी हैव डन अवर ड्यूटी जी। बीजेपी के राज में बस स्टैंड की स्थापना हो रही है तो भी ये किसी पे आसान नहीं है, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को देखते हुए, मदनलाल ढींगरा जी कॉन्ट्रीब्यूशन को देखते हुए पार्क बस स्टैंड के साथ तुलनात्मक काम करना उनके कद को घटाने की बात है, तो ये भी फंडामेंटल ड्यूटी भाजपा सरकार की थी। अब तो इसके अंदर हाँ, अगर वो वहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया जाना चाहिए था
तो ये तो एक पॉलिटिकल कंडक्ट है, दो प्रीवियस चीफ मिनिस्टर्स का एक पॉलिटिकल बिहेवियर है सोसाइटी के अंदर कि किसको कैसा व्यवहार किसके साथ करना है। तो ये तो आपने कि व्यक्तिगत आचरण के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क निश्चित रूप से पैदा होगा और बड़े लीडर आपस में ताक झांक करेंगे। पर मैं ये कहता हूं कि आपको इन अपने व्यक्तिगत मामलों में शहीद मदन लाल ढींगरा जी को बीच में नहीं लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए। आज क्वेश्चन कांग्रेस में, फिर कह रहा हूं, कांग्रेस बीजेपी इन एलो का नहीं है। हम सब करनाल के नागरिक होने के नाते, इस देश के नागरिक होने के नाते और अपने स्वतंत्रता सेनानियों की डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए एकजुट रहेंगे, एक प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, चाहे किसी भी राजनीतिक दल के भाई होंगे। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के झंडे के नीचे बात नहीं करेंगे। हम इस संघर्ष समिति के नौजवान साथियों के साथ खड़े होंगे और इस बात को सुनिश्चित करेंगे जो ग्लोरी लॉस्ट हो गई है, जो ऑनर मैं समझता हूँ लॉस्ट हो गया है, उसको हम वापस ग्लोरीफाई करें। और मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि ये पाप तो निश्चित रूप से हुआ है, इस पाप की वो माफ़ी मांगे जनता से और गंगा जल से इस स्थान का पूरी धुलाई करके और प्राण प्रतिष्ठा के साथ पूर्ण रूप से दोबारा मदनलाल ढींगरा जी की मूर्ति की स्थापना की जाए, ये हमारी मांग है और यही होके रहेगा। पंजाब के किस शहर में इसके अलावा मूर्ति स्थापित है और कितनी बड़ी है? हर शहर के अंदर मूर्तियां मदनलाल ढींगरा जी की स्थापित है। अमृतसर के अंदर आप देखिए, मुझे लगता है 15 से 20 फुट की मूर्ति है जो स्थापित। चुक्कन साहब, यहाँ आपने मूर्ति देखी होगी, कितने साइज की होगी? यहाँ छोटी थी, नहीं उसको तो प्लेटफॉर्म तो ऊंचा था, फिर मूर्ति का साइज आदम का था। हाँ, मूर्ति का साइज छोटा था, दो ढाई फुट के साइज था, दो ढाई फुट का साइज था। तो इस बड़ी बहस के अंदर आज ये निकल के आया है कि चाहे वो जिला स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन हो, चाहे वो इनेलो के प्रवक्ता ओम प्रकाश सलूजा जी हो, चाहे वो राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव हो वीरेंद्र राठौर जी, चाहे वो शहीद मदनलाल ढींगरा स्मारक संघर्ष समिति के अध्यक्ष हो मेहताब सिंह जी, सिर्फ एक ही सवाल, एक ही इनका सरकार से मांग है। मांग ये है कि सीएम साहब से गलती हुई है, कह रहे हैं कि माफ़ी मांगनी चाहिए। इसके बाद दूसरा इन्होंने सवाल उठाया उन अधिकारियों पर जिन्होंने आधी रात के बाद मूर्ति वहां से हटाई या उखाड़ी, उन्हें सस्पेंड किया जाना चाहिए। और तीसरा ऐलान संघर्ष समिति ने कर दिया है कि अगर मूर्ति स्थापित नहीं की गई तो वह सड़कों पर उतर का प्रदर्शन करेंगे। साथ ही कांग्रेस ने भी इसे एक राजनीतिक मुद्दा यानी कि राजनीतिकरण ना करते हुए ये कहा कि ये पूरे समाज की बात है और कांग्रेस जो है किसी भी हालत के अंदर वहाँ मशाल नहीं लगने देगी, सिर्फ शहीद मदनलाल ढींगरा की प्रतिमा के सिवाय। तो इस बड़ी बहस में आप सबका स्वागत है, आपने सभी सवालों के जवाब बेबाकी रूप से दिए। हम भी समय समय पर इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। इस घटना में यानी कि इस घटनाक्रम में जो ये बड़ा मुद्दा शहर का गर्म हुआ पड़ा है, इस पर आगे भी चर्चा जारी रहेगी और आपको इस पर अपडेट लगातार करेंगे कि इसमें नयापन क्या है। अभी थोड़ी देर के बाद आज ही कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, उसमें भी देखते हैं अभी क्या नया ऐलान होता है, वो समाचार भी आप तक पहुंचाएंगे। स्टूडियो में जो भी मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, मैं उनका अभिवादन और धन्यवाद करता हूं समाचार एक्सप्रेस की तरफ से। तो समाचार एक्सप्रेस पर लगातार बने रहिए क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी खत्म नहीं होता। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।